तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ गया फोर्थ, इसके पहले के 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 2 के 1 2 3 आप लोगों ने कर लिया है। चौथा किस तरीके से करना है, सेम प्रोसीजर जैसे 1 2 3 किए वैसे ही इसको भी करना है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, बोला है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल किस फॉर्म में रहता है, जनरल फॉर्म, ax2 + bx + c, जिसमें x जो है वो वेरिएबल टर्म है और नॉन वेरिएबल क्या है, a b एंड c, ये हमें फाइंड आउट करना है। और वो फाइंड आउट करके इस वैल्यू इस जनरल फॉर्म में पुट कर देंगे तो मुझे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल मिल जाएगा। वो फाइंड आउट कैसे होगा, आगे कंडीशन दिया है, विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इस जीरो रिस्पेक्टिवली, सम ऑफ जीरोज पहला वाला है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दूसरा वाला है। ठीक है, तो उन्हीं कंडीशन के बेस पे हम ए और बी फाइंड आउट कर, ए बी सी फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया है, वन दिया है। अल्फा प्लस बीटा की क्या होता है, माइनस बी अपन ए, यहाँ है वन, नीचे भी हम वन लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में वन लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक रेशियो हम के ले लेते हैं, दोनों में एक रेशियो के ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि इसका न्यूमिरेटर इसका न्यूमिरेटर बराबर ही हो, जरूरी नहीं होता, लेकिन एक के रेशियो लिया है तो बराबर होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, माइनस बी इक्वल टू के, माइनस बी हटा रहे हो तो यहाँ पर हो जाता है माइनस के, बी मिल गया एक, यहाँ पे ए इक्वल टू वन के, मतलब के आ गया, तो ए की वैल्यू क्या आ गया, के आ गया। दूसरा आप कंडीशन दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और दिया क्या है, वन दिया, देखिए वन दिया, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपन ए इक्वल टू वन, ए की वैल्यू क्या है, तक के, यहाँ पे के पुट करोगे ये के डिवाइड में इधर जाएगा, आगे आपके सामने सी, फिर उसके बाद से आपने क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है, और वो क्या होता है, ax2 + bx + c, ए की वैल्यू क्या है, के, ax2, बी की वैल्यू क्या है, माइनस के एक्स, और सी की वैल्यू के। ठीक है, इनमें से के कॉमन अगर कर लिया जाए, के कॉमन कर लिया जाए तो क्या बचेगा, x2 - x + 1, दिस इज योर पॉलीनोमियल। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करके फाइंड आउट करना होता है। कई बार ये 2 मार्क्स का पूछा है, कई बार 1 मार्क का पूछा है, कई बार 3 मार्क्स का पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन के बेस पे है। ठीक है, क्वेश्चन जैसा पूछा है उसके बेस पे हमें इसको अप्लाई करना होता है। तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं।